स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 81 से आगे हम देखेंगे और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिहार एसएससी के एग्जाम में आ सकते हैं या फिर बाकी एसएससी एग्जाम्स की आप तैयारी जो कर रहे हैं उसमें आ सकते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एग्ज़ाम है और काफ़ी स्टूडेंट जो इसकी तैयारी कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है, तो ज़रूरी है कि आप लोग अभी से तैयारी शुरू करें और बेस्ट वे में हम आपको यहाँ तैयारी करवाएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहे, चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि इससे पहले जो दो पार्ट है वीडियो का वो आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वो भी आप जाके अभी देख लें ताकि आपको जो 80 क्वेश्चंस हैं वो आपका ना छूटे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्योंकि वो हैं तो आपका कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला नहीं छूटे। फिर आगे जो है, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय कहाँ पर है, तो ये एक्चुअली कहीं भी नहीं है, ये तो एकदम मजाकिया क्वेश्चन ही हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर गंडक नदी होगा। आगे बढ़ें तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे, तो शीलभद्र, जो काफ़ी नालंदा विश्वविद्यालय के काफ़ी प्रसिद्ध कुलपति वीसी जिसे हम कहते हैं वो रह चुके हैं। तो नालंदा विश्वविद्यालय अपने आप में बहुत फेमस है और बहुत ही मायने रखता है बिहार के लिए और जितने आप कह सकते हैं कि एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत मायने रखता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पर किया था, तो इसका आंसर चंपारण होगा। चंपारण सत्याग्रह आपने अपनी हिस्ट्री की बुक में, इतिहास की किताब में पढ़ा होगा, तो काफ़ी फेमस और काफ़ी इम्पॉर्टेंट। बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो फल्गु नदी जो है उसके तट पर गया नगर स्थित है। तो मैंने कुछ ऐसे स्टेट सिटीज़ के नाम बताए थे बिहार में जो एग्ज़ाम्स के नज़र से आप कह सकते हैं, इवन देखिए जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वही एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बिहार के नज़रिए से जो तीन चार स्टेट सिटीज़ मैंने बताए थे, तो वैसे उसी से क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप उस पर ध्यान दें। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका आंसर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में जो है वो है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो भगवान महावीर का देहावसान बिहार में कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर पावापुरी होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो महावीर का देहावसान हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो महावीर जी से रिलेटेड हमने दो तीन क्वेश्चन और देखे हैं, तो महावीर जी हो गए, फिर अपने बुद्ध जी जो हैं वो सब, तो ये सब काफ़ी फेमस आप कह सकते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी मायना, मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप देखें बिहार के, क्योंकि धार्मिक धर्म से जुड़े हुए हैं ये सब। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको यहाँ इनसे रिलेटेड मिलेंगे, तो हम वो सारे क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस करेंगे। बिहार राज्य में शिक्षा का स्तर कैसा है, तो मध्यम है, आप लोग खुद जानते होंगे, यहाँ पर सरकारी स्कूल की तो बात ही मत करिए, तो सरकार से जो चलते हैं उनकी तो बात मत करिए, आप खुद जानते हैं स्थिति कैसी है। तो जो CBSE मतलब जो ओवरऑल अगर हम देखें एजुकेशन सिस्टम हमारे यहाँ का, तो मध्यम है, तो शिक्षा का स्तर भी मध्यम है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो प्राचीन रोमक कैथोलिक चर्च पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था, इसका आंसर 1751 ईस्वी में। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की लंबाई कितनी किलोमीटर है, तो 392 किलोमीटर है। तो जो NH2 है जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड का ही एक पार्ट है वो भी, तो 392 किलोमीटर की है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार की यात्रा किस शताब्दी में की थी, तो इसका आंसर जो होगा वो 7वीं शताब्दी होगा। आगे बढ़े तो बिहार में रेल शुरू कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है, तो 1860 से 1862 ईस्वी के बीच में रेल जो है, रेलवे सिस्टम हमारे यहाँ शुरू हुआ था। तो बिहार में कितनी चीनी मिल हैं, तो ये एक्चुअली 28 संख्या में है और अब तो बहुत सारे मतलब कम होते जा रहे हैं, तो बिहार के चीनी मतलब बिहार में जो चीनी मिल है बहुत कम होते आ रहे हैं, पहले और बहुत थे। तो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था, तो शेर शाह सूरी जो थे, जो ग्रैंड ट्रंक रोड जिन्होंने बनाया है, तो वो बिहार के ही थे और वो दिल्ली के राजगद्दी पर पहले ऐसे शासक थे जो बिहार के थे और बैठे थे। बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी, तो नवल किशोर सिंह ने की थी, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम यात्री कौन था, तो मेगस्थनीज जो था वो एक फॉरेन ऐसा यात्री था जिसने बिहार की सबसे पहले यात्रा की। फिर इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया था, तो सफल आक्रमण मतलब उन्होंने बिहार पर कब्जा किया था, तो 1203 ईस्वी में ये उन्होंने कर्म किया था। आगे बढ़ें तो बिहार में स्थित प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का कौन सा माध्यम था, तो पाली लैंग्वेज जो आप सुनते होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पाली लैंग्वेज में ही पहले नालंदा विश्वविद्यालय में भाषा का माध्यम एक पाली जो भाषा है वही थी। बिहार के किस नगर में कांच उद्योग नहीं है, तो शाहपुर एक ऐसा जिला है, जिला आप कह सकते हैं सिटी है, जो जहाँ पे कांच उद्योग बिल्कुल ही नहीं है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो राबड़ी देवी। राबड़ी देवी को कौन नहीं पहचानता होगा, किसे नहीं पता होगा राबड़ी देवी के बारे में। तो राबड़ी देवी लालू जी की धर्मपत्नी, और लालू जी अभी भी जो कह सकते हैं आपकी सुर्खियों में बने हुए हैं और हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, तो ये आपको ध्यान रहेगा ही। तो आप याद रखिएगा पहली जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी तो राबड़ी देवी ही थी। तो दोस्तों जो हमारा पहला पार्ट था उसमें हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और वैसे ही दूसरे पार्ट में 40, और इसमें हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करके 100 क्वेश्चन, ऐसे 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो कि आपको एकदम ध्यान रखने, और आपके एग्जाम में वो आगे पूछे जा सकते हैं। और अभी तक मैंने देखा है कि बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ऐसे क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपके लिए जो एग्ज़ाम में वो सक्सेस ज़्यादा दूर नहीं होगा, आप SSC क्लियर करेंगे, ये हमारी गारंटी है। और जितने ट्रिक्स वाले वीडियोज़ हम डालते हैं उन्हें ज़रूर देख लें। तो ये मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि ट्रिक्स वाले वीडियोज़ आप देख लें, क्योंकि उससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप बस खेल खेल में बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप 2 लाइन 4 लाइन की बातें जो आप 10 नाम याद करेंगे वो आपको 5 शब्द में याद हो जाएंगे, 2 शब्द में याद हो जाएंगे। तो ऐसा भी कुछ हम ट्रिक्स आपके लिए बनाए हुए हैं, और ऐसे कुछ ट्रिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, और बाकी वीडियोस जो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे वो सब भी आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, हमारे चैनल के साथ बने रहे और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब अभी तक वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया हो तो, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू।